हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलोवेरा का हार्ट पेशेंट्स में क्या रोल है, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और हार्ट पेशेंट्स को इसको लेने से एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किस तरह के हार्ट पेशेंट्स को इसे लेना चाहिए, किस डोज पे लेना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस है, इस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। देखिए, एलोवेरा में कुछ पॉलीसैक्राइड्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपके बॉडी में सूजन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उतना हार्ट अटैक्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो यदि ये आपके बॉडी की इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। लेकिन इसके बारे में जो एविडेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इसके लिए हर व्यक्ति को इसे लेने के लिए कोई खास रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है और ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो शो करती है कि हर व्यक्ति अगर इसे लेना चालू करे या इसका जूस पीना चालू करे या इसका जेल लेना चालू करे या किसी और फॉर्म में इसको लेना चालू करे तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या हार्ट अटैक के होने के चांस में बहुत फ़ायदा मिलेगा कि ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कोई बड़ी स्टडी या बड़ा एविडेंस नहीं है। जिस तरह के बाकी स्टडीज़ फ्रूट्स वगैरह से या साग सब्जियों के साथ होते हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ इसको लेने से कुछ फ़ायदा है, कुछ खास नुकसान नहीं है, वैसे ही इसके साथ थोड़ा एविडेंस है जो कि सजेस्ट करता है कि अगर आप इसको जूस को लेते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, हार्ट अटैक्स या हार्ट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा कम होगा ऐसा कोई गारंटी किसी भी स्टडी में नहीं देखा गया है। गारंटी से मतलब ये है कि कोई बड़ी अगर स्टडी स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस करे कि जैसे 5000 लोग को एलोवेरा दिया गया और 5000 लोग को नहीं दिया गया और ये दिखाया गया कि 5000 लोगों को जिनको एलोवेरा दिया गया उनका मृत्यु दर बहुत कम था, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कम था, उनका बीपी लेवल्स बहुत कम था और बाकी 5000 लोग जिनको नहीं दिया गया उससे कंपैरेटिवली उनका सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा अच्छे रहे, तो इस एविडेंस को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि हाँ इस तरह के पेशेंट में एलोवेरा देने से फ़ायदा होगा। अभी तक इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, तो ज़्यादातर आप मान सकते हो कि इसका जूस लेने से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादातर जिन लोग को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है और ख़ासकर जिनका CRP लेवल ज़्यादा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे लोग मान सकते हैं कि उनको एलोवेरा लेने से थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इस सारी चीज़ों को करने से पहले आपको आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करना चाहिए क्योंकि कई पेशेंट्स को और भी बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है जो कि बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करने के लिए दी जाती है। अब ये दवाइयों के साथ अगर आप एलोवेरा को लेते हैं तो थोड़ा इंट्रैक्शन होने का चांस रह सकता है। इसके बारे में क्लियर कट कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि किस पर्टिकुलर चीज़ से ये रिएक्ट कर जाए क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में कई बार क्या है, बहुत सारे अलग अलग तत्व होते हैं और वो अलग अलग तत्व अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग व्यक्ति में अलग रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इसलिए एग्जैक्टली कोई भी डॉक्टर आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बोल सकता कि ये दवा अगर आप इतने डोज में लोगे, इतने टाइम के बाद लोगे एलोवेरा जूस के तो रिएक्शन होगा और साथ में लोगे तो ये होगा, नहीं लोगे तो ये होगा, ऐसा एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, बाकी दवाइयों के साथ अगर आप इसको लेते हो तो थोड़ा रिएक्शन या इंट्रैक्शन होने का चांस है जिसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। आप इसको ले सकते हैं एट योर ओन रिस्क। थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करिए कि जहाँ से आप एलोवेरा ले रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई नेचुरल प्रोडक्ट्स में आप अगर गलत जगह से परचेस करते हैं या सब स्टैंडर्ड जगह से परचेस करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, नेचुरल उतना इफेक्ट उसमें ना आए ऐसा हो सकता है, उतना ज़्यादा पौष्टिक वो ना हो, उसमें कंटामिनेंट्स हो, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का अंश बाकी हो, ये सारे चीज़ होने का चांस है। तो अगर आप इसको एज अ नेचुरल जूस ले रहे हैं, कुछ फ़ायदे के हिसाब से ले रहे हैं, तो एटलीस्ट ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उसका कल्टीवेशन प्रॉपरली हुआ हो, एक अच्छे सोर्स या अच्छे सेलर से आपने उसको लिया हो और जहाँ से वो सब्ज़ी या जहाँ से वो फल उगाया गया हो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस उतने ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रख पाएँ, प्रेफरेबली अगर घर पर खुद उगा पाएँ या किसी ऑर्गेनिक फार्म से ले पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हेल्दी, पर ऑब्वियसली हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता। तो आप जहाँ से ले रहे हैं वो अगर अच्छी जगह है और जहाँ से वो एलोवेरा आ रहा है उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है, कंटामिनेटेड नहीं है
तो फिर फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर ये सारी चीज़ों को हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउटफुल फ़ायदा है और इस तरह की चीज़ों को लेने से कई बार फ़ायदा होने के बदले थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, खासकर तब जब वो किसी दवा के साथ रिएक्शन कर जाए या किसी और दवा का डोज को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा या घटा दे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। तो एलोवेरा जूस लेने से हार्ट पेशेंट में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के टर्म्स में, विटामिन मिनरल्स के टर्म्स में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बहुत क्लियर कट कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते हैं। अपनी रिस्क पर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फ़ायदा होगा या नहीं होगा डाउटफुल है। ज़्यादातर इस पर कोई डोज डिफाइन भी नहीं है कि इतना डोज लेने से फ़ायदा होगा, इतना डोज लेने से फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप एक आध गिलास जूस उसका ले सकते हैं अगर आप लेना चाहो तो, लेकिन ऐसे कोई डिफाइंड डोज गाइडलाइंस में या किसी स्टडी में मेंशन नहीं है कि इतना डोज लेने से फ़ायदा होगा या इतना डोज लेने से इतना खून पतला होगा, इतना कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ऐसा कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो आज के टॉपिक में एलोवेरा के बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। एलोवेरा का बेसिकली डाउटफुल फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है। लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो इसके भरोसे रहना गलत हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।